हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं करेंट फीलिंग पर रीडिंग। सो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने मतलब तो मेरे दूसरे चैनल यानी कि ट्रिपल फोर टैरो यूनिवर्सल हीलिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ पे दे दूँगी सारी जानकारी, तो वहाँ से जाकर के आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की अपडेट्स, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दें गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि ये और लोगों तक पहुँच पाए, बिकॉज आप जितना लाइक करेंगे उतना ही ये शेयर होगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। ये जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, हल्की सी रिजोनेट जनरल है और जेंटलिस्ट है, ठीक है। आप इसे कोई भी देख सकते हैं, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, सेम जेंडर्स वाले भी इसको बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं आप, बहुत जनरल है तो ये बात आप लेकर चल रहे हैं अपने दिमाग में कि हाँ भाई हमसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो जितने मैसेज आपसे रेजोनेट हो उतने आप रखना है, जितने मैसेज आपसे रेजोनेट ना हो उतने आपने जाने देना है, क्योंकि वो बाकी मैसेजेस किसी अदर पर्सन के लिए होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या अपडेट्स हैं। सो पहला कार्ड है आपका द लवर्स, एयर साइन में जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियस। फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियस। ओके, मैजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। फायर साइन में आपका यहाँ पे लियो है। ओके, बॉटम में है आपका फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्स, फायर साइन एरीज, लियो सजिटेरियस एंड टेन ऑफ पेंटिकल विद स्टार, हाई प्रेस्टेस। ओके गाइस, चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग। सबसे पहले जो मैं कवर करती हूँ वो होती है पास्ट की एनर्जी। तो चलिए देख, सबसे पहले हम कवर करेंगे आपके पास्ट की एनर्जीज क्या हैं आपके और आपके पार्टनर की। एक्सक्यूज मी गाइस। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो मुझे एनर्जी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहे हैं। आपने काफ़ी कुछ एफर्ट लगाए लेकिन सामने वाले इंसान की तरफ से 0% भी आपको नहीं मिला। आपको थर्ड पार्टी में पुट किया गया, आपको यहाँ पे चीट किया गया है, बिकॉज थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल एंड फाइव ऑफ पेंटिकल है, तो 101% आपको चीट किया गया, किसी थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन गए हैं और उस इंसान की वजह से आपको यहाँ पे फुल ऑन इग्नोर किया गया है। आपको थर्ड पार्टी में पुट किया गया है, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा गया है, आपकी ट्रू लव को नहीं समझा गया है और आपको तो बिल्कुल भी नहीं समझा गया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहा, एंजाइटी प्रॉब्लम्स रहीं। आपको बहुत आप में से कुछ लोग, बहुत ही कम लोग शायद डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इस इंसान की वजह से। मैंने को कि कम्प्लीटली गए, लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए आप जा सकते हैं, बिकॉज जब आपको एकदम से पता चला होगा कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ डील करें, तो कहीं ना कहीं आप ना मे बी आपकी तरफ से ये जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा आपको लो एनर्जी में लेके चली गई कि हाँ भाई ये क्या हो गया अचानक से, ये क्या क्यों हुआ। आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा आपको शिकायतें मिली, बैड एनर्जी मिली, कभी सपोर्ट नहीं मिला, कभी ट्रू लव नहीं मिला, कभी कुछ भी, मतलब आपको ऐसा देखने को नहीं मिला कि भाई चलो मैंने काफ़ी कुछ फेस किया है एंड फाइनली अब मुझे मेरे पार्टनर मिल चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर मजिशियन एंड थ्री ऑफ सोर्स के साथ में मैं देख पा रही हूँ कि जब ये इंसान आपसे अलग हुए स्टार्टिंग में तो भले ही आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा हो, आपने काफ़ी दुख देखा है इस रिलेशन में, आपने काफ़ी कुछ फेस किया है इस इंसान की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो मजिशियन है, मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपने अपने आप को बहुत संभाला, अपने आप को समझाया एंड देन अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, सो आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है स्टार्टिंग में। मेरे ख्याल में करीब 10 दिन 9 दिन या 15 दिन तक की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहे, हद से ज़्यादा आपने पेन सहा, रात में सो नहीं पाए, आपने कुछ खाया नहीं, आपकी हालत बिल्कुल ही ऐसी हुई थी कि एक हम कह सकते हैं जिंदा लाश जैसी आप ज़िंदगी जी रहे थे। भाई कोई पता ही नहीं था कहाँ है क्या कर रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं था दूर दूर तक। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को बहुत संभाला है गाइस, अपनी स्ट्रेंथ पर आपने काम किया है, अपने आप को स्ट्रेंथ दी है, समझाया है, कॉन्फिडेंट लेवल आपका ग्रो किया है इस दौरान एंड मजिशियन के अकॉर्डिंग आपने खुद को बहुत आगे बढ़ाया है। आप अगर कोई करियर नहीं था आपका तो आपने करियर अपना बनाया है, अगर आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे इस इंसान से मिलने की वजह से तो आपको कहीं ना कहीं आपने अपने लिए कुछ एक्शंस लेना शुरू किए, एक्टिविटीज़ करना शुरू किए, लाइक सुबह घूमना, मॉर्निंग वॉक, या फिर कहूँ कि एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा, लेकिन आपने अपने लिए जीना शुरू किया, आपको अपनी लाइफ इंपॉर्टेंस लगने लगी थी जब ये इंसान आपकी लाइफ से गया। आपको कहीं ना कहीं फील होने लगा था कि भाई मैं कब तक किसी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को एवे छोड़ दूँ, मुझे भी मेरे कुछ रूल्स हैं मेरी ज़िंदगी के जो मुझे फॉलो करने हैं, जो मुझे मिलते हैं केवल अपनी लाइफ से ही, ठीक है। कोई अदर पर्सन आके आपकी लाइफ को हैंडल नहीं करता, आपको खुद को करना पड़ता है उस चीज़ को हैंडल, तभी आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ पाती है। और जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लग जाते हो तो जिस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया है वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आने लग जाता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे जब आपने अपने आप को संभाला मजिशियन एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जब आपने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपने आप को काफ़ी हील करने की कोशिश की, अपने आप को बहुत संभाला है आपने, देन आपकी लाइफ में जो पार्टनर था आपका, मैं कहूँगी जो इंसान आपको ये नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, वही इंसान आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहा है या आ चुका है, किसी किसी के लिए आ चुका होगा, वेटिंग मोड में होगा, होता है आपने जवाब ना दिया हो उस इंसान को, ठीक है। अगर पास्ट में इस इंसान ने आपको ब्लॉक रखा था तो प्रेजेंट में आपने इसे ब्लॉक रखा है और आप इसे बात करने के मूड में फिलहाल में नहीं लग रहे हो मुझे, ठीक है। और अगर आप चाहते भी हो बात करना तो हाँ, ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं, अगर अब तक नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको समझाएंगे, और पास्ट में जो कुछ भी रहा एज अ लवर वो आपको समझाएंगे कि देखो जो कुछ भी पास्ट में रहा उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए एंड देन अब हमें ध्यान देना चाहिए अपने फ्यूचर पर। तो पे अब आपके पार्टनर जो कुछ भी इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, आपको काफ़ी दर्द दिया है, उन सब से ये आपको बाहर लाने की जिद करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे कि भैया आप इनसे बात करो, आप इनके साथ कैसे भी एक बार मीटिंग करने के लिए रेडी होता होता ये आपसे ना फेस टू फेस मिलने की डिमांड कर सकते हैं आपके पार्टनर, देखिए इस तरीके से, ठीक है, फेस टू फेस मिलने की डिमांड कर सकते हैं वो, और क्लियरिटी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको। चलिए और देखते हैं हम कार्ड्स, आउटकम के तौर पे देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी, नाइन ऑफ पेंटिकल अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ वैंड्स, या जैसे कि मैंने कहा ही था, सिक्स ऑफ सोर्स, गया हुआ इंसान वापस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने एक्स को वापस अपनी लाइफ में तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाइएगा, अगर आप नहीं चाहते कि इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में आए।
सक्सेस यानी कि सिक्स ऑफ वांड्स, हाई प्रिस्टेस, माय गॉडनेस, सी मैजिशियन अगेन, सी फोर ऑफ वांड्स। प्लीज कैमरे भैया जी कंसंट्रेट कीजिए, या फोर ऑफ वांड्स गाइस, सीरियसली मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस ये दोनों ने ही बता देते कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर बाद में फोर ऑफ वांड्स आना, सीरियसली एम्प्रेस। बॉटम में आपका सेवन ऑफ सॉर्ड्स, तो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी रहा है, कुछ भी चीटिंग, बैक स्टेप करना, मूव ऑन करना, कम्युनिकेशन ऑफ करना, ब्लॉक करना, जो कुछ भी रहा आप दोनों के बीच में, वो सारी एनर्जीज आप दोनों के भले के लिए ही क्रिएट की गई थी आप दोनों की ज़िंदगी में। जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ से गया, इधर आपकी अवेकनिंग हुई है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए होंगे प्रेजेंट टाइम पे, जब भी आप रीडिंग देखेंगे तब तक आप स्पिरिचुअल हो चुके होंगे, कुछ एक हाथ दो क्लासेस बची होंगी आपके अवेकनिंग में, वो पूरी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। लेकिन आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। मैजिशियन हाई प्रिस्टेस, आप दोनों का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया तो आप दोनों को अलग करना एक तरीके से इम्पॉसिबल वाली एनर्जी हो जाएगी, कोई भी आपको अलग इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानना है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको नहीं पता चलता है, समझ नहीं आता है कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपने एक सिंपल सा काम, एक फॉर्मूला अपनाना है, क्या, एक सेकेंड गाइस, आपको जब भी आपको अपनी लाइफ में समझ ना आए कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, क्या है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आप एंजल से गाइडेंस लें, ठीक है। और सबसे बड़ा आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, बिकॉज यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल हाई प्रिस्टेस है, हाई प्रिस्टेस को अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा ही चक्र कितना एक्टिव है, सी ये देख पा रहे हैं आप, आई होप कि आपको दिख रहा हो, सी ये थर्ड आई चक्र कितना एक्टिव है, और यहाँ पे मैजिशियन भी, मतलब दोनों ही साथ में आना तो बता ही रहा है क्लियर कट कि आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल, इतना ज़्यादा गहरा और ट्रू है, हाई प्रिस्टेस मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में अगर आते हो ना यूनियन में एज अ मैरिज, ऐसा हस्बैंड वाइफ कपल में, तो आपका जो रिश्ता होगा वो और लोगों के लिए एग्जाम्पल साबित होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी रहेगी। जब तक हो रहा है ना ये प्रॉब्लम, जब तक आ रही तब तक आ रही, जिस दिन आप दोनों के बीच में बस थोड़ी बहुत ही कम्युनिकेशन होना शुरू हो गई, वो भी पॉजिटिव वे पे, नॉट नेगेटिव वे पे, तो आप दोनों के रिलेशन में ना बहुत अंतर आना शुरू हो जाएगा। बस देखो नाइन ऑफ पेंटिकल ये है और यहाँ पर एंड ये दोनों कार्ड्स है, तो आप दोनों के बीच में जैसे जो हिडन एनर्जीज हैं वो बातों में शुरू हो जाएगी, देन आपके पर्सन के ऊपर पूरा पूरा चीज़ का प्रभाव पड़ेगा कि हाँ भाई किस तरीके से जो है आपसे बात करनी है, आप एक अच्छे इंसान हो, और जो मूव ऑन करने का जिनका जो फैसला था वो बहुत गलत था, ये इनको पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है, आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। अगर आ चुके हैं तो आप मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, अगर नहीं आए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत जल्दी आ रहे हैं, और प्रपोजल के साथ में आ रहे हैं, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्स एंड फोर ऑफ वॉन्स साथ में आना, सीरियसली मतलब आप में से काफ़ी लोग ना अगर सिंगल हो तो आप मिस्टर एंड मिसेस बनने वाले हो सीरियसली किसी के, ठीक है। एंड आपको फिर से कहूँगी सेल्फ लव में रहना है, बिल्कुल भी लो एनर्जी में ना रहें। अगर आप लो एनर्जी में रहें तो सेवन ऑफ सोर्स को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहें तो हाई प्रिसीजन फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब आपकी चॉइस है आपको क्या चूज़ करना है, क्या आपको नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में सारी एनर्जीज आपको मिलेंगी। चलिए अभी देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है। कम्युनिकेशन तो ज़रूर आपको मिलेगी, इस बात में कोई शक नहीं है, बिकॉज एट ऑफ वॉन्स है यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ में, तो गया हुआ इंसान वापस आएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं गाइस, आपके जो इंसिस्टर्स हैं,
अगर आपने कभी किसी का कुछ भला किया था तो उस इंसान की काफ़ी दुआएं आपको लगी हैं। अगर आप किसी का भला नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे लोगों का भला करें, लोगों की मदद ज़रूर किया करें, बिकॉज वो जो एनर्जी है ना आपकी लाइफ को कहीं से कहीं लेके जाएगी, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। ओके, सो प्लीज़ एक बार ही सही लेकिन एक बार लोगों की मदद ज़रूर करें। यहाँ पर अपने मन में होप आपको खोनी नहीं है, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है होप बना कर रखें, ठीक है। वो आपकी जो भी, अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ रखा है तो हाँ आपकी यूनियन होगी, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे तो बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जैसे कि मैंने कहा नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपने रहना है बिंदास, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, आपको उस एनर्जी में रहना है, इसलिए आपकी लाइफ में जो होगा वो इतना अच्छा होगा कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा, उसे 10 गुना अच्छा आपको मिलेगा। ओके, सो आपको बस यहाँ पर बहुत ही क्लियर रहना है अपनी एनर्जीज को लेकर। ओके गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और उनको भी ज़रूर आप बोलें कि वो सब्सक्राइब करें वो भी और लाइक करें और मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ट्रिपल फोर डॉट यूनिवर्सल हीलिंग पर। मैं आपसे बोलूँगी अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू।